नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त 2021 को ब्राह्मण समाज के विरुद्ध किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी एवं ब्राह्मण समाज को विदेशी बताकर उन्हें भारतवर्ष से निकालने व ये जाति वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय नेतृत्व में ब्राह्मणों ने जिला मुख्यालय पर जुलूस के रूप में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ब्राह्मण द्रोही नंद किशोर बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में भी FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी मुख्यालय शिव कुमार मिर्जापुर को सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नारायण जी उपाध्याय एडवोकेट ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव ही समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारतवर्ष में वैदिक एक सनातन धर्म के ध्वजवाहक ब्राह्मण समाज के प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की अपमानजनक टिप्पणी से पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। सर, क्या मामला है? आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट मिर्जापुर में। विगत दिनों में एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पिताजी नंद कुमार हैं, उन्होंने लखनऊ में एक बयान दिया कि ब्राह्मण समाज को लात मार करके देश से बाहर कर दिया जाए। उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में यह हमारा प्रदर्शन है अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान की तरफ से। और हम लोगों की यह मांग है उनके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी कर कार्रवाई किया जाए। और आज समाचार पत्र में निकला भी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इसी संबंध में विषय में कुछ लोग जो है, जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ राजनीति में घुस गए हैं। ये अनाप शनाप अंड सन शब्द बोल करके केवल राजनीति, जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। जब ब्राह्मण समाज सब समाज की इज्जत करता है, सबकी रक्षा करता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है, उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। आपका पक्ष? हम नारायण जी उपाध्याय, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संघ। सर, क्या मामला है? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय नारायण जी उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 30 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज को विदेशी कहते हुए लात मारकर भारत से बाहर करने की बात कही है। इससे पूरा ब्राह्मण समाज आंदोलित है। ब्राह्मण समाज सबका सम्मान करना जानता है, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज के प्रति किसी ने भी अभद्र टिप्पणी की तो ब्राह्मण समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। उसी के क्रम में इस पूरे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के क्रम में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को सौंपा है और नंद कुमार बघेल को उत्तर प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का कार्य अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान करेगी। परिचय दे दें अपने। सुनील कुमार पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।